conditions of a alcohol from carbonyl compounds, that is the reduction of carbonyl compounds. In that carbonyl compounds, so we have taken aldehydes as well as the ketones. Now, the next methods of preparations of an alcohol, that is by addition of Grignard reagent. अब Grignard reagent की addition करेंगे, लेकिन किस में? Same again. कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड एज वेल एज द कीटोन. तो लेट अस सी द जनरल रिएक्शन. सो दिस कार्बोनिल कंपाउंड टू रिएक्ट विद ए Grignard reagent इन प्रेजेंस ऑफ प्योर एंड ड्राई ईथर, देन इट गिव्स ए एडिशन प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज ए एड. देखिए ये पोलर है, इसलिए अल्टीमेटली ये डेल्टा नेगेटिव होगा तो ये डेल्टा पॉजिटिव होगा. आर और एम जी ये बॉन्ड भी आपका आयोनिक है या पोलर है तो ये ब्रेक होगा और ये एम भी रहेगा डेल्टा प्लस और ये रहेगा डेल्टा माइनस. ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पर और फिर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आर बॉन्ड सी. ठीक है, सी के साथ क्या जुड़ा? आर, क्योंकि कार्बन डेल्टा पॉजिटिव आर डेल्टा नेगेटिव, तो एक वैलेंसी फिर क्या रहेगी बेटा? फ्री रहेगी. अब दूसरे इसमें क्या लगेगा? ओ, ओ के साथ ओ आएगा यहां पे, ओ आपका माइनस है तो एम जी एक्स. ओ माय गॉड, एम जी एक्स. ओके, बाद में फिर से कार्बन की एक वैलेंसी क्या रहेगी? फ्री. सो दिस इज व्हाट अबाउट योर एडिशन प्रोडक्ट एंड दैट इज व्हाट एज एन एड. ओके, लेट्स सी वंस अगेन, पर एकदम अब या फिर से एक बार देखेंगे. ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपका है Grignard reagent. In presence of pure and dry ether, it gives the your addition product that is called as a adduct. तो देखिए कार्बन जो है वो डेल्टा प्लस है, ये पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर रहेगा. फिर से R और Mg ये पोलर बॉन्ड है और ये टूटेगा और Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, R मतलब अल्केन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. फिर क्या होगा? ये जो कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज है वो अल्किल ग्रुप इसे अटैच होगा, तो R बॉन्ड C ये वैलेंसी एज इट इज हो गई, कार्बन की वैलेंसी एज इट इज. बाद में ये कार्बन जो है इसका बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव की तरफ जाएगा आपका Mg पॉजिटिव, तो O MgX. अब ये एडिशन प्रोडक्ट ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, इनका हम लोग क्या करेंगे? एसिड हाइड्रोलिसिस. तो ये बॉन्ड फिर से पोलर ब्रेक हो जाएगा, H प्लस OH माइनस, तो ये माइनस और ये Mg क्या रहेगा? प्लस. ठीक है, वाटर वाटर की तरह दो, एक है H प्लस और OH माइनस, तो ये H प्लस किसके साथ जाएगा? O के साथ जाएगा, तो R बॉन्ड C और यहाँ पे OH और साइड प्रोडक्ट मिलेगा Mg के साथ, ऑलरेडी X है ही है और OH जाएगा. So this is nothing but the your alcohol. ये क्या रहेगा आपका? अल्कोहल. तो समझ में आया? तो एक ही फ्लो में अगर हमें इस रिएक्शंस को लिखना है या रिएक्शंस को बोलना है तो क्या कहना पड़ेगा? कि दिस कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑन ट्रीटमेंट विद ए Grignard reagent इन प्रेजेंस ऑफ प्योर एंड ड्राई ईथर फर्स्ट इट गिव्स द एडिशन प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज ए एडक्ट व्हिच इज ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस विल गिव्स द अल्कोहल. एंड नाउ depending upon the nature of the aldehyde as well as the ketone, that is the type of a aldehyde that we can use or type of a ketone that we are using here, so the formations of alcohol will be different. ठीक है, यानी aldehyde कौन से प्रकार का लेते हैं, ketone कौन से प्रकार का लेते हैं, इस आधार के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? Alcohol का formation या preparations करेंगे. So
एग्जांपल हम लोग लेते हैं पहला, बाद में सेकंड, बाद में थर्ड। तो यहां पे प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। अब प्राइमरी अल्कोहल ध्यान दीजिए बेटा, प्राइमरी अल्कोहल मतलब ये जो आर आया है, ये आर आया है आपके ग्रिग्नर्ड डिवीजन में, तो हमेशा आर के जगह हम लोग सी एच थ्री रखेंगे और एक्स के जगह सभी के जगह हम लोग बी आर रखेंगे, ये कॉमन रखेंगे, ठीक है। आर के जगह हम लोग मिथाइल ग्रुप और एक्स के जगह बी आर, तो अब प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है? ऐसे प्रकार का अल्कोहल की जिस कार्बन एटम के साथ OH अटैच है वो कार्बन एटम एक ही कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए, यानी एक ही एल्केल ग्रुप, तो ये भी H होना चाहिए, ये भी H, और ये जो दो फ्री वैलेंसी है ये किसके हैं? कार्बोनिल कार्बन की, तो दोनों के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? H HCH डबल बॉन्ड। अब सेकेंडरी अल्कोहल मतलब एक कौन सा ग्रुप होना चाहिए आपका? एल्केल ग्रुप होना चाहिए, तभी जाके ये कार्बन एटम दो अल्किल ग्रुप या कार्बन के साथ रहेगा, तो ये एच की जगह आर, आर मतलब ये रहेगा CH3 सी डबल बॉन्ड OH। और टर्शियरी अल्कोहल का मतलब ये भी आर होना चाहिए, ये भी आर होना चाहिए, तो CH3 और CH3 रखेंगे, तो ये भी होगा आपका CH3 बॉन्ड CH3। तो ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज एसिटेट, और ये रहेगा अकेटोन डाइमिथाइल केटोन, दैट इज द एसीटोन। अब यहां पे रहेगा आर के जगह CH3 MgBr इन प्रेजेंस ऑफ प्योर एंड ड्राई ईथर, कॉमन रहेगा CH3 MgBr CH3 MgBr in presence of pure and dry ether, pure and dry ether। देखिए सीधी सी बात है, ये Mg plus और ये minus, ये आपका minus और ये आपका plus, delta लिख लीजिए, delta लिख लीजिए, CH3 जाएगा ये आपके कार्बन के पास और ये O के साथ जाएगा ये वाला, ठीक है। सो लिखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट है H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड CH3 और MgX की जगह Br, ये एडिशन प्रोडक्ट एंड एडिशन इक्वल द एडक्ट, और यही मैं लिखूंगा, यही एडक्ट को हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, H plus or H minus in presence of H plus। H plus मतलब HCl। अब ये bond break हो जाएगा, तो फिर ये O minus और Mg रहेगा plus। O minus के साथ H जाएगा, तो मिलेगा H bond CH, CH3 और OH। और Mg के साथ कौन जाएगा बेटा? Br तो है already और ये जाएगा OH। So, this is nothing but the दो कार्बन एटम का अल्कोहल, that is called as a ethyl alcohol। This ethyl alcohol is nothing but your primary alcohol, and in IUPAC it is called as a ethanol। यहाँ पर भी same product मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए? Addition product, CH3 bond C bond H, यहाँ पे C के साथ CH3 आएगा, same, change करते जाइए, OH। अब OH के जगह देखिए bond break कीजिए, ये रहेगा प्लस, ये रहेगा माइनस, यहां पर देखेंगे तो ये रहेगा प्लस, ये रहेगा माइनस। अब आपको ये पता है कार्बन के साथ CH3 जाएगा, O के साथ MgBr जाएगा, दैट इज व्हाट अबाउट योर एडिशन प्रोडक्ट, ऐड अप करेंगे, दैट इज ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस। ब्रेक कीजिए, क्या मिलेगा फिर?
CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 O के साथ में H प्लस Mg ये Br तो है ये OH है। तीन कार्बन अल्कोहल मतलब प्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन यहाँ पर देखिए CH3 ये सेम है, दैट इज व्हाट अबाउट आइसोप्रोपाइल CH3 ये कार्बन के पास CH3 और O के पास जाएगा MgBr। एडिशन प्रोडक्ट और इनका हम लोग फिर से क्या करेंगे बेटा, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे और फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो Mg प्लस O माइनस तो O के पास जाएगा H, यानी CH3 बॉन्ड CH3 ये भी रहेगा O H O। Mg के साथ में Br भी है और OH भी है। And this is nothing but the tertiary butyl alcohol। ये कौन सा अल्कोहल बेटा था? Tertiary alcohol। जिस कार्बन आयन के साथ OH अटैच है, वो कितने कार्बन के साथ अटैच है? 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4। चार कार्बन का नाम ब्यूटाइल और that is what about the tertiary butyl alcohol। तो कहने का मतलब क्या है? अगर फॉर्मल्डिहाइड इनर रीजन के साथ ट्रीटमेंट होता है, रिएक्ट होता है तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा दूसरा कोई भी फॉर्मल्डिहाइड अगर विग्नर रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अल्केटोन, कोई भी केटोन अगर विग्नर रिएजेंट के साथ ट्रीट होगा तो क्या मिलेगा? टर्शियरी अल्कोहल। दैट्स व्हाई सिंगल लाइन में क्या कहेंगे? कंक्लूजन। सो फॉर्मल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद द विग्नर रिएजेंट्स विल गिव द प्राइमरी अल्कोहल। Aldehyde other than formaldehyde on treatment with the Grignard reagent gives the secondary alcohol, and ketone on treatment with the Grignard reagent will use the tertiary alcohol. All these reactions will use first addition product, then the alcohol will be obtained after the acid hydrolysis of that addition product. Okay, so thank you.